हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ मैं, वो ये है कि हम सभी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स सब हमें यही बोलते हैं जब हम बेड से सोकर सुबह उठते हैं कि हमें सुबह पानी के गिलास ज़रूर पीने चाहिए। वो क्यों पीने चाहिए ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठकर पानी पीना कितना ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, सुबह उठकर आपको कम से कम 2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप इससे कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो। शरीर में खून बनाता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में खून भी लगभग 83% पानी से ही बना होता है। ब्लड का काम होता है शरीर के हर हिस्से में विटामिन, मिनरल्स आदि का पहुँचाना। तो ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि ब्लड हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है। जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो ये हमारे ब्लड सेल्स को तेजी से दौड़ाता है और जिसमें अनीमिया जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि निजोलीकरण से बचाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स बैलेंस्ड रहे, जैसे कि इलेक्ट्रोशंस, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से भी ये बचाता है। जब हमें पसीना आता है या हम टॉयलेट जाते हैं तो हमें मिनरल्स लूज़ कर देते हैं। अगर शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, अगर शरीर में इनकी कमी आ जाए तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, थकावट होने लगती है, ऐसी समस्याएं आने लग जाती हैं। इसीलिए अगर आप सुबह भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो हमें हाइड्रेशन से हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सिर का दर्द करे दूर, जैसे कि हमने आपको सभी ने बताया है कि कैसे पानी ना पीने से डिहाइड्रेशन होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% सर में दर्द होने का सिंपल कारण निजोली कारण ही होता है, जिसकी वजह से हमारे सिर में बहुत पेन होता है। तो अगर आप सुबह उठकर भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे आपका सर दर्द से भी आप बच सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफ़ी नहीं होता बल्कि पानी भी मजबूती के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी हड्डियों को मजबूत करता है, तो कैल्शियम के साथ साथ पानी भी भरपूर लेना चाहिए। जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे हड्डियों की जॉइंट्स जैसे कूनिंग, घुटना आदि में नमी बरकरार रहती है और इनके दर्द से भी हम दूर रहते हैं। पेन जैसी प्रॉब्लम्स ही हमें, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। पेट साफ रखता है और कब्ज से मुक्ति दिलाता है। रोज़ सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। ऐसा करने से गैस, एसिडिटी आदि की समस्या नहीं होती। इससे पेट में होने वाले दर्द से भी हम बच जाते हैं, उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलती है। मोटापा घटाने में सहायक होता है, हमारे शरीर के फैट से ये हमें बचाता है। पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम पानी पीते हैं ये हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। जब हम सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे पेट की चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी बर्न होती है, जो आपके वजन को नियंत्रण भी रखता है। साथ ही पानी पीने से पाचन क्रिया ठीक रहती है, खाना अच्छी तरह से पच जाता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, सोने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा मुहासे दूर होते हैं और स्किन पर ग्लो आता है। खाली पेट पानी पीने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ ही ब्लड सेल्स भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे स्किन जवान बनी रहती है और स्किन पर ग्लो बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह खाली पेट जब हम पानी पीते हैं तो इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे त्वचा अंदर से साफ हो जाती है और पिंपल्स आदि की समस्या भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे बहुत सारे बेनिफिट्स सुबह पानी पीने के। तो पानी पीजिए, पिलाइए और अपने बड़ों को, छोटों को, सबको पानी पीने की सलाह दीजिए। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो हिट के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।